गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आइए आप लोग को अम्ल क्षार लवण में शेष बचा हुआ थ्योरी को बताया जा रहा है। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में दिया गया था पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर बताया गया था। कुछ थ्योरी जैसे लवणों का पसीजना, प्रसवेद लवण, क्रिस्टलीकरण विधि और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफी महत्वपूर्ण था प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के विधि और उसके उपयोग। जिन बच्चों ने इसे नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो पीछे वाला वीडियो को अवश्य देख लें, अवश्य पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज हम लोग फिर इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड में पूछा करता है। आप अभी कोरोना काल में इस समय जो बीत रहा हम लोग के साथ, जिसको कोरोना काल कहते हैं, इस समय में आज जो मैं थ्योरी बताने जा रहे हैं, जिस कंपाउंड के बारे में, उस कंपाउंड का कोरोना काल में बेहद ज्यादा उपयोग हो रहा है। आइए आप लोग इसके बारे में कुछ जरूर जानते हैं और आज उस कुछ को पूरा कर देंगे। नाम सुनते ही आप उसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नाम है ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना होगा विरंजक चूर्ण, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर इसी बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये बहुत कोरोना काल में काफी उपयोग हो रहा है, गलियों में, नलियों में, मोहल्लों में, आवास के आसपास, हॉस्पिटल में, जहां पर लोगों को आवागमन, सामूहिक स्थलों पर, बस स्टैंड में, ऐसी जगह पर इसका छिड़काव बहुत तेज रफ्तार से किया जा रहा है कोरोना काल में। ये हो सकता है कि इस पर ऐसे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है
कि कोरोना काल में सर्वाधिक उपयोग किस पाउडर का किया गया था। विद्यार्थी आप लोग का याद है, देखते होंगे, यह रहता तो है सफेद चूर्ण पाउडर चूने की तरह, लेकिन उसका मेन रंग नहीं जानता है। जब ढेर के रूप में आप गौर करके देखिएगा तो हल्का पीला सफेद है। कैसा है? हल्का पीला सफेद। जैसे कि आप दूध के बारे में जानते हैं कि दूध का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। लेकिन विद्यार्थी जब गाय या भैंस दूध देने के अंतिम स्थिति में रहती है, उसका दूध देने का समय अवधि समाप्त होने वाला रहता है, तो उनके स्तनों से हल्का रंग का पीला सफेद और पहले के तुलना में गाढ़ा दूध का निष्कासन होता है। ठीक उसी प्रकार से इस ब्लीचिंग पाउडर भी हल्का पीला और सफेद चूर्ण है। ना तो आप केवल इसको सफेद कह सकते हो और ना तो केवल इसको पीला कह सकते हो। पीला सफेद, याद रहे, ब्लीचिंग पाउडर का रंग कैसा होगा? हल्का पीला सफेद। फॉलो किया? यह एक गुण है, याद रखिएगा। मैं गुण जब बताऊंगा तो ये बात पहले पॉइंट में रहेगा। तो ये हल्का पीला सफेद चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर है। और अभी मैंने एक उपयोग भी बता दिया, क्या? कीटाणुनाशक के रूप में जब गलियों में छिड़काव की जाती है तो मक्खी मच्छर कई प्रकार के परजीवियों का विनाश होता है, जो रोग वाहक परजीवी है उसका समाप्ति होता है। तो विद्यार्थी जी एक उपयोग भी सुन लिया, इसका आप नाम भी सुन लिया, इसके बाद आपने इसका एक गुण भी सुन लिया, समझ रहे? इसका यह जो है विद्यार्थी जी, ये शुष्क बुझा हुआ चूना से तैयार किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना बोलिए, ठोस बुझा हुआ चूना बोलिए, एक ही बात है। जिसका अनुसूत्र होता है विद्यार्थी CaOH के सफिक्स 2। शुष्क बुझा हुआ चूना है, ठोस बुझा हुआ चूना है। जब इसको इसके शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में जब पूछेगा तो लगभग 313 केल्विन होता। 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 313 केल्विन। नाइन्थ क्लास में आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलने के लिए बता दिया गया, तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बोलेंगे तो 313 केल्विन। समझ रहे विद्यार्थी? 313 केल्विन यानी 440 डिग्री सेल्सियस पर जब क्लोरीन गैस बोला तो Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनके तैयार हो जाता है। तो बनाने की विधि आपने सुन लिया कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक प्रवाहित किया जाता है तब विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl या सॉरी विद्यार्थी जी CaOCl या इसी को विद्यार्थी जी आप बोलिएगा CaOCl2, अच्छा लगता यही नहीं CaO
CL2। तो विद्यार्थी इसका यह रासायनिक अणु सूत्र हुआ जिसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो अभी आपने एक उपयोग सुना, एक गुण सुना, बनाने के विधि के बारे में सुना। अब आइए हम लोग विद्यार्थी जी इसका कई गुण और कई उपयोग पर वर्णन करते हैं, जानकारी करते हैं। जितने भी कपड़ा जिसमें खास करके सूती या लिनन सूती, ऐसे तो सभी कपड़ों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, क्योंकि यह कपड़े जब निर्माण होती है तो पता नहीं कि आम लोगों के पास जो इसको यूज करेगा उसके पास पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितने दिनों तक यह कपड़ा को रखा जाएगा मार्केट में, दुकानों में, समय है। इसलिए कीटाणुओं से बचाने के लिए इसमें विद्यार्थी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, समझ रहे हैं, जिसमें खास करके सूती वस्त्रों में ज्यादा करके है ना, दूसरे वस्त्रों में कम, बहुत कम नहीं के बराबर, लेकिन सूती वस्त्र, लिनन सूती, ये सभी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो कपड़ा उद्योग में भी ब्लीचिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए एक और उपयोग मैं बताता हूं, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। कागज को भी हम लोग काफी दिनों तक रखते हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ कागजात, जमीन का हो या आपका जन्म से रिलेटेड हो, है किसी भी प्रकार का कागज होता है विद्यार्थी, कुछ कागज को तो हम लोग क्षण भर में समाप्त कर देते हैं, पेपर पढ़ा खत्म हो गया, उसको आपसे उस पेपर का कोई रिलेशन नहीं। कॉपी किताब पढ़े तो कुछ दिनों तक रिलेशन है कि एग्जाम देंगे, उसको तैयारी करके रखेंगे। कुछ किताबों को होता है जो हम लोग अपने बहुत काफी दिनों तक रखते हैं, है ना, यदि हिंदू धर्म हो या कोई धर्म से रिलेटेड हो तो सभी अपने धर्मों में कुछ महान ग्रंथों को घरों में रखते हैं। नहीं तो विद्यार्थी जी उन ग्रंथों में, उन किताबों में, उन कागजों में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आप इसे जितना दिन भी रखेंगे तो ये सुरक्षित रहेगा, इसमें कीटाणु नहीं लगेगा। तो ये कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग करने में किया जाता है, कीटाणुओं से दूर करने, मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री, नाम सुने होंगे, जहां पर कपड़े को साफ कर करके प्रेस करते हैं वाशर में, है ने, या फिर उसको लॉन्ड्री बोला जाता है, समझ रहे विद्यार्थी। लॉन्ड्री में भी कपड़े को ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का छीटा मारा जाता है बदबू से, दुर्गंध से मुक्ति के लिए। तो विद्यार्थी जी यहां पर भी फंगस यानी किसी न किसी भी प्रकार के कीटाणुओं से रोकने के लिए कपड़े के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। चलिए मैं एक और इंपॉर्टेंट बात इसको उपयोग में बताते हैं, साबुन बनाने में। आप देखते हैं कोई साबुन का प्रचार करता है, फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके शरीर पर 24 घंटा लगातार कीटाणुओं के साथ लड़ता रहता है, यानी जब साबुन में इसका उपयोग होगा तो कीटाणुओं को मारने में यही काम करता है। तो जितने भी साबुन है, चाहे वो शरीर को साफ करने वाला, कपड़े को साफ करने वाला, सभी में मात्रा के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो याद रहे, साबुन बनाने में हुआ, कपड़ा उद्योग में हुआ, कागज उद्योग में हुआ, कीटाणुओं को मारने में हुआ, है ने, और जल को भी शुद्धिकरण करने में उपयोग किया जाता है। अब तो बहुत कम विद्यार्थी
पहले जब ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं हुआ करता था तो बरसात के दिनों में कुएं में यह ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता था, जिससे कुएं के अंदर जल में यदि कोई हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु, फंगस लग गया है, प्रवेश कर गया है, तो इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर देने से नष्ट हो जाता। तो जल को शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थी जी। इसका उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में भी उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन गैस बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण का क्या चीज उपयोग। और एक बात बताते हैं, लकड़ी का मज्जा तैयार भी करने में प्रयोग किया जाता है, जो तरीके से पलाई का नाम सुना होगा, है ना, कि लकड़ी नहीं पलाई, ए भाई पलाई भी लकड़ी का है। आपका बोर्ड पलाई का बना हुआ है, लेकिन विद्यार्थी पलाई बनती है लकड़ी से। लकड़ी की पतले पतले परतों में डिवाइड कर कर करके परत बाई परत लगा कर कर करके पलाई तैयार की जाती है, जिसको हम लकड़ी का मज्जा कहते हैं। तो लकड़ी की मज्जा तैयार करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ताकि इसमें कीड़ा ना लग सके। तो कीड़े से बचाने के लिए भी लकड़ी के मज्जे में उपयोग किया जाता है। तो देख लिया, सुन लिया, जानकारी हासिल कर लिया है। आप अक्सर देखते होंगे कि आप जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, बहुत ऐसे प्लास्टिक के कुछ वस्तु बर्तन खरीदते हैं, तो एक पैकेट, छोटा का पैकेट, उसके डिब्बा में एक छोटा पैकेट रहता है, उस डिब्बे में छोटे छोटे दाना के रूप में रहता है। देखिए, और उस पर ऐसे चिन्ह लगा रहता है, नीचे निकल रहता है। इसको बच्चों से दूर रखें, क्योंकि जब घर ले जाते हैं जूता चप्पल इत्यादि, तो आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चों को कुछ खास आदत है। यदि आपके लिए का भाई है, पिता है ने, चचा है, कोई भी रिश्तेदार में हो, तो आपके पास वो बच्चा आता है, लगता है कि उसे कुछ खाने का चीज आई है। और सपोज डेट मान लेते विद्यार्थी कि वो बच्चा आकर करके आपको ध्यान से हट गया और उठा करके मुंह में ले लिया, तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पॉइजन है, जहर है। यह चप्पल जूता या जिन वस्तुओं में यह रहता है विद्यार्थी, एक पैकेट के रूप में बड़ा रहेगा, छोटे छोटे दाने के रूप में, इसमें ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा होती है, जो जिस वस्तु में रखा हुआ उस वस्तु को दुर्गंधित होने से, साथ साथ फंगस के प्रभाव से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपने नाम सुना कि ये सब ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या उपयोग है, आप ध्यान से देख लिया है ने? आइए अब हम आपको इसके गुण के बारे में बताते हैं। एक गुण तो बतेरे किए थे, क्या बताए, कि यह हल्का पीला सफेद चूर्ण के रूप में रहता है, समझ रहे बात। दूसरा, इससे क्लोरीन जैसी गंध निकलती है। तीसरा, इसका तीसरा जो गुण है विद्यार्थी जी, कि यह जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा जो गुण है विद्यार्थी, यह जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है, वायुमंडल के साथ जब अभिक्रिया करता है, तब विद्यार्थी क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है। और विद्यार्थी इसका एक और खास बहुत महत्वपूर्ण गुण क्या है, कि जब यह अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस उत्पन्न होता है। तो ये
सारे गुणों की पूर्ण जानकारी रखिएगा। मैं जो भी बात को बताया गया है उतना नहीं तो अब 10 पॉइंट 5 पॉइंट 8 पॉइंट बताएंगे, पर लिखेंगे तो 4 या 5 गुना, ज्यादा 5 गुना। इसलिए विद्यार्थी आप इन सब चीजों को ध्यान से सुना। अब आइए मैं आप लोग को दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, ब्लीचिंग पाउडर, ये अंग्रेजी वर्ड ही है पूरा, ये इसको पढ़ने में सुविधा के लिए अक्सर करके इसी नाम से गेस्ट पेपर वगैरह में आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं, विरन, सॉरी गलती हो गई विद्यार्थी, विरंजक चूर्ण है ना विद्यार्थी। आइए ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल कर रहा हूँ गौर से। यह हल्का पीला सफेद चूर्ण है जिसका रासायनिक अनुसूत्र अनुसूत्र CaO और Cl सफिक Cl या सॉरी बार बार मैं गलती लिख रहा हूँ सॉरी CaO Cl सफिक Cl या CaO Cl2 यह हल्का पीला सफेद चूर्ण है, इसका रासायनिक अनुसूत्र सूत्र CaO Cl सफिक Cl प्लस CaO या ये बोलिए चाहे, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। सुनिए विद्यार्थी जी, यह हल्का पीला सफेद चूर्ण है जिसका रासायनिक अनुसूत्र CaO Cl या CaO Cl2 जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। अब यहां से क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है, बनाने की विधि या बनाने का तरीका। अब जवाब होगा विद्यार्थी जी सुनिएगा, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप
क्लोरीन क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब तब विरंजक चूर्ण यानी विरंजक चूर्ण या आप क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देख रहा है विद्यार्थी जी, है ना, बनाने की विधि देखिए। जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaO2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है कितना तक 40 डिग्री सेल्सियस ताप, तब आपको क्या बन जाएगा ध्यान दीजिएगा CaOCl2+H2। यही है ब्लीचिंग पाउडर। ये गौर से देखिएगा ध्यान से। डेली विद्यार्थी जी, तो यह ब्लीचिंग पाउडर का पहले हेडलाइन आपको समझा दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में भी इसको ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलते, इसका नाम है हिंदी में बोलते विरंजक चूर्ण। यह हल्का पीला सफेद चूर्ण है जिसका रासायनिक सूत्र होता है विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है अनुसूत्र। तो दोनों में से ऑप्शन के आधार पर आपको चयन करना है कि कौन सा है, या दोनों तो नहीं है, तो इसके आधार पर आप ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है, बनाने की विधि है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के विधि BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। बनाने के विधि पूछता है विद्यार्थी और उपयोग पूछता है, मैं उपयोग के बारे में लिख रहा हूँ। ब्लीचिंग पाउडर ये दिख रहा होगा, पाउडर है नीचे, देखिए अब मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के उपयोग को लिखे, सुन रहा है विद्यार्थी, देखिए तो आंसर में जब पॉइंट बना के लिखेंगे तो निम्नलिखित कर देंगे
ब्लीचिंग पाउडर के निम्न लिखित उपयोग है। पहला, आपको पहला बहुत सुंदर तरीका से बताए थे क्या जी, बोलिए। नहीं चलिए, कीटाणु नाशक पदार्थ के रूप में कीड़े मकोड़े मारने में गलियों नलियों में पाउडर छिड़काव किया जा रहा अभी कोरोना काल में, है ना। दूसरा, इसका उपयोग में लिखिएगा कपड़ा उद्योग में कपड़े के विरंजन करने में तीसरा भी कागज उद्योग में या कागज बनाने में कागज के विरंजक करने में। चौथा भी मैंने बताया, लकड़ी के मज्जा तैयार करने में, ठीक है। पांचवा भी मैंने बताया, साबुन बनाने में, ठीक है। छठा भी लिए थे, छठा क्या बताए थे, आधा है कीटाणु नाशक, हाँ, जल को कीटाणुओं से मुक्त करने में, जल को शुद्धिकरण करने में, इसी को लिख सकते हो, जल को शुद्धिकरण करने में। आप इसको सभी पॉइंटों को ध्यान से गौर से सुन लीजिए, देख लीजिए, बेहतर सुंदर तरीके से लिख दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, आगे विद्यार्थी इसका गुण के बारे में ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी, ब्लीचिंग पाउडर के गुणों को लिखे, पॉइंट बना के लिखेंगे, इसे निम्नलिखित कर देते हैं। आंसर में आप लिखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के निम्न लिखित
गुण है, जिसमें आप पहला लिखिएगा, बताइएगा कि पहला क्या है। आपको बताया था, शुरू में बताया गया है कि यह हल्के नहीं पीले, हल्के पीले सफेद चूर्ण, यह हल्के पीले सफेद चूर्ण है। दूसरा आध है, यह अस्थाई यौगिक है। तीसरा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जैसी गंध होती है। और चौथा गुण में बताए थे, यह तनु अम्ल, बताए हैं तनु अम्ल क्या है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है, है ना। पांचवा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। पांचवा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह वायु, इसे वायु में छोड़ देने पर इसे नाम ही लिख देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को वायु में छोड़ देने पर, देने ब्लीचिंग पाउडर को वायु में छोड़ देने पर CO2 बाहर निकलता है, था जिसमें क्लोरीन गैस है विद्यार्थी जी, वो बाहर निकल जाएगा, है ना। एक आप पॉइंट और लिख सकते हो, तो यह हल्के पीले सफेद चूर्ण है, यह अस्थाई यौगिक है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जैसी बदबू होती है, गंध होती है, यह तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर को वायु में छोड़ देने पर इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो ये था विद्यार्थी जी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको 20 सेकंड तक गौर से देखें, मैं आगे बता रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, आगे का टॉपिक हम लोग को रहेगा जिसके बारे में आप सभी बच्चे गौर से देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग को थ्योरी आज कल में खत्म होने वाला है ने? और मैं आप लोग को बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, है ने? टीचर हो के हम आपसे विनती करते हैं कि आप बेटा बुक नहीं पढ़ रहे हो, धोखा आपको होगा, हमको क्या हो? हम तो जो जानते हैं वो तो बताइए करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो जानते हैं परंतु याद नहीं है कि क्या पॉइंट छूट गया है क्या नहीं छूट गया है। तो आप हमसे जब पूछेंगे
तो मैं आपको ज्यादा भूखेंगे, इसलिए निकालने का काम आप कीजिए। किसी कुआं चापाकल में पता नहीं कितना पानी है, लेकिन निकालने वालों बता सकता है कि कितना पानी है। तो विद्यार्थी आप कोशिश कीजिए, निकालिए तो बेहतर रहेगा, सुंदर रहेगा, है ना? आप जो है हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने आपको बार बार कहते हैं, आपका जो नन्हे हाथ है, बताइए ये नन्हे हाथ जो है नए देश, नए राज्य, नए घर को बनाने के लिए कुल फाट है ना? लेकिन आप इस नन्हे हाथ का उपयोग करेंगे तब है, आप इसको प्रयोग करें जो एकदम बिल्कुल तारा को जमीन पर ले आइए। तो आइए अगला टॉपिक पॉइंट जो हम लोग को बताने जा रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा। अगला हम लोग को है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाना शुरू मत कर देना है, इसी को हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। और नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaCO3। तो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसको एक चीज बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है विद्यार्थी, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, है ना? बेकिंग सोडा या भी ब्लीचिंग पाउडर की तरह बहु उपयोगी है ना? इसके बाद हम लोगों को आपको धोने वाला सोडा पढ़ाएंगे, कपड़ा धोने वाला सोडा, समझ रहे हैं, जिसका नाम रहेगा सोडियम कार्बोनेट बाई हट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, उसका बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट पर बात कर रहा हूं कि सोडियम बाई कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, समझ रहे, बहुत प्रचलित नाम है मीठा सोडा के नाम से, व्यापारिक नाम है मीठा सोडा, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा अक्सर यह एक क्षारीय पदार्थ है ना? कैसा है? क्षारीय पदार्थ है, जिसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी जी आप गौर से सुनिएगा इसके बारे में, यह जो है खाने वाला सोडा या और आगे पढ़ाएंगे धोने वाला सोडा, ये दोनों जो है विद्यार्थी आप लोग को अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है, अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। इस विधि में सामग्री के रूप में अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O और नमक, साधारण नमक NaCl की आवश्यकता होती है। मैंने क्या क्या बोला? अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बोला? जल और क्या बोला? नमक, है ना? अमोनिया का अनुसूत्र NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, जल का अनुसूत्र H2O और साधारण नमक का अनुसूत्र सोडियम क्लोराइड। आप याद कीजिए, पीछे वाला बतिया कि आप लोग को साधारण नमक के उपयोग में लिखाया गया हुआ खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा बनाएंगे। तो आज नमक इसके बनाने में, तैयार करने में उपयोग किया जाएगा, जो अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। यह अमोनिया साल्वे विधि जो है विद्यार्थी जी, इसी द्वारा खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा तैयार किया जाता है, जिसका कच्चा सामग्री ये सब है। इन सभी के मदद से हम लोग खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट तैयार करेंगे। तो आज नहीं, अगले वीडियो में, समय सारणी समाप्त हो रहा, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे,
आप भी पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। पूरे किताब के जो भी राइटर का बुक आपके पास हो सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा। आप घर में यदि पकौड़ा बनाते हैं तो खाने वाला सोडा डालते हैं। घर में किसी भी प्रकार का पकवान बनाते हैं तो उसमें खाने वाला सोडा डालते हैं। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो अपने गार्जियन से पूछ करके रखें, समझ रहा है। इसका उपयोग मैंने एक बताया और इस बात आपको दे रहे हैं, मैंने ही तो बता दिया। डालते हैं तो क्यों डालते हैं? खाने वाला सोडा यदि कोई खाने पीने वाले वस्तुओं में डाल रहे हैं तो क्यों डाला जाता है, इसके बारे में आप सोच के रखिएगा और अपने फैमिली गार्जियन से पूछिएगा कि जब आप पकौड़ा बनाते हैं या कुछ खाद्य वस्तु बनाया जाता है तो सब में नहीं, यानी कि सब्जी है, चावल है, दाल है, सभी तो खाद्य वस्तु है, सब में खाने वाला सोडा डाला जाता है? नहीं। आप पूछिएगा कि जिनमें खाने वाला सोडा डालते हैं तो क्यों डालते हैं? आप अपने भी सोचिएगा, अपने पेरेंट्स भी सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको राय अच्छी तरह से दे। समझ रहे बात को? इसके बाद तो फिर हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे, तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद। Thank you.